What's up guys, this is Dev from Bitbull. कल वीडियो खत्म करने से पहले मैंने एक छोटा सा टिप दिया था, मैटिक के बारे में था, जब मैटिक का प्राइस 49 रुपीस में ट्रेंड हो रहा था। मैंने बस ये एक छोटा सा टिप दिया था कि मैटिक का प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकता है। मेरा वो टिप सुनने के बाद अगर कोई 100 कॉइन्स भी ले लिया होता कल दोपहर तक, आज सुबह तक वो 1000 रुपया कमा चुका होता, क्योंकि विद इन लेस देन 12 आवर्स मैटिक का प्राइस 10 रुपया बढ़ के अभी 60 में ट्रेंड हो रहा है। अब पता नहीं, आप अगर उनमें से एक हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आज का वीडियो में मैं फिर से कुछ कॉइन्स का प्राइस प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को सोचने में मजबूर करेंगे कि क्या करना चाहिए अभी इस टाइम पे, एक स्टेप्स आगे लेना चाहिए या फिर जहाँ पे हो उधर ही खड़े रहो भाई। सो इफ यू आर डन बीइंग देवदास इन दिस मार्केट्स डाउनफॉल, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू पैक योर शिट टुगेदर एंड गेट योर एस बैक टू दिस मार्केट, क्योंकि ये हमारा मार्केट है। स्टिक टू दिस वीडियो टिल एंड and I hope you will find all this information helpful to you to take some real decision ahead. So let's start guys. तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के साथ। Why experts are claiming that Bitcoin is all set to bounce back where it belongs? दो फैक्ट्स हैं। पहला वाला फैक्ट, 20 जुलाई को, मतलब कल 20 जुलाई को जो बिटकॉइन का सबसे लोएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो $28,000 था, जो कि ये 2021 में सेकेंड टाइम बिटकॉइन का प्राइस 28,000 तक गिरा है। फर्स्ट टाइम जब गिरा था बैक इन जनवरी 2021 को था, जबकि बहुत ज्यादा बेयर मार्केट चल रहा था और बिटकॉइन का सबसे जो लोएस्ट प्राइस था सेम $28,000 था। उसके बाद बस 3 महीने के अंदर 16 अप्रैल तक बिटकॉइन का प्राइस जो ऑल टाइम हाई है, अभी तक का रिकॉर्डेड प्राइस $63,000 तक पहुंचा था। तो पहला फैक्ट ये है कि फिर से बिटकॉइन सेम पोजीशन में खड़ा था जो कि जनवरी में था $28,000, और आज सुबह से देख रहा है कि बिटकॉइन एक नया मोड़ ले चुका है। अभी का जो बिटकॉइन का लेटेस्ट न्यूज है, जो लेटेस्ट प्राइस है, वो $30,848 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। तो मतलब कल से आज तक $4,500 तक टर्निंग है। आज सुबह जो बिटकॉइन का इंडियन मनी में 23 लाख के आसपास था, आज दोपहर तक बिटकॉइन का प्राइस 23,92,000 है। तो बिटकॉइन का जो मोड है वो घूम चुका है। लेकिन अभी और दूसरा जो फैक्ट है, इस बार का स्टोरी क्यों जनवरी से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि जो रिसेंट अपडेट है, चाइना का जो ब्रेकडाउन, फिर बहुत सारे कंट्री जो क्रिप्टो करेंसी को बैक टू बैक बैन किया, ये सब बैनिंग के चलते बिटकॉइन का जो मार्केट डोमिनेंस था जो कि 50% प्लस हुआ करता था, अभी वो कम होके 42% हो गया है। ये सब के चलते हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते है कि आने वाले 3 महीने में इसका प्राइस $63,000 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते है कि $63,000 ना हो लेकिन $50,000 तक एक एक्सपेक्टेशन बिटकॉइन का है अभी मार्केट पे। और एक जो फैक्ट, बैक इन 2017 में जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट के नाम पे बस हम बिटकॉइन ही जानते थे, उस टाइम बिटकॉइन का जो मार्केट डोमिनेंस था 95% था, लेकिन एक लंबा डाउनफॉल के बाद मार्केट में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था 52% पे अटका था, लेकिन रिकवर करके 2 महीने के अंदर बिटकॉइन का जो मार्केट डोमिनेंस 70% तक गया था। एक्सपर्ट्स ये बोल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस और बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस फिर से 50% होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आगे क्या क्या होता है। बिटकॉइन के साथ साथ और कुछ ऑल्ट कॉइन का भी मैं आपको अपडेट दे दूं। जो फर्स्ट ऑल्ट कॉइन है वो है Fetch.ai। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क है। अकॉर्डिंग टू माइकल वैंडी पोपे, द फेमस एनालिस्ट, जो कि अपना 35,04,200 फॉलोअर्स को ये बताया है, Fetch.ai/BTC का जो पेयर है जो कि आने वाले 2-3 दिनों में 250% से 700% तक जंप कर सकता है। अभी जो इसका ट्रेडिंग प्राइस है वो $0.27 है। तो मिस्टर वैंडी पोपे को ये मानना है कि $0.27 से ये रफली $1.62, मतलब 100 रुपीज के आसपास ये जंप कर सकता है विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज। नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन जो कि मेरे रेडर पे है, उसका नाम है एक्सी इन्फिनिटी। जून एंड जुलाई में जब मार्केट पूरा का पूरा रेड जोन पे था, ये एक ऐसा लौता कॉइन है जो कि हमेशा ग्रीन जोन पे रहा है। लास्ट वीक 15 जुलाई इसका ऑल टाइम हाई प्राइस जो रिकॉर्डेड प्राइस था $26.93 था। उसके बाद ये बेयर ट्रेंड के चलते कल $14 पे आके अटका था, जो कि उसका रेजिस्टेंस लेवल से कुछ ही डॉलर अप था, लेकिन आज विद इन 12 आवर्स इसका प्राइस फिर से 17% अप
होके $17.84 पे ट्रेंड हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ्यू स्पेशलिस्ट। बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड इसका प्राइस अगर ऐसे ही बढ़ते गया, ये जो लास्ट इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्डेड था वो बीट करके और ऊपर तक जाने वाला है। जो अभी नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है वो मेरा ऑल टाइम बेस्ट ऑल्ट कॉइन है, बेस्ट पिक्ड है, जो कि मैटिक है। कल भी मैं बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो नेक्स्ट 6 महीने के लिए, मैटिक वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कॉइन टू इन्वेस्ट इन। कल ऑल टाइम लो था, लास्ट 6 महीने का 49 रुपीज था, आज 60 पे ट्रेंड हो रहा है। अभी भी अगर आप मैटिक पे इन्वेस्ट करना चाहते हो नेक्स्ट 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है मैटिक से आपको। Now I'm gonna give you 2 more updates. I just thought of giving you a small heads up about these 2 news, you know, just to make you comfortable and positive about this market. फर्स्ट वन इज फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन ने ये नया अनाउंसमेंट किया है कि दे आर गोना बैन ऑल दोस अनऑथराइज्ड क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स। अनऑथराइज्ड मतलब जितना भी ये मनी लॉन्ड्रिंग फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जितना भी वॉलेट्स, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या भी कोई भी ट्रांजेक्शन चले इतना आसान नहीं है कि कोई उसको ट्रैक कर पाए। तो ये सब चीजों से इन फ्यूचर बचने के लिए यूरोपियन कमीशन ये सब अनऑथराइज्ड वॉलेट्स को बैन करने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और जो सेकंड न्यूज है, मास्टर कार्ड, जितना भी मास्टर कार्ड होल्डर से अभी डायरेक्टली स्टेबल कॉइन्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन, लाइक यूएसडीसी जो यूएसडी कॉइन है, दूसरा है थ्रेटा, यूएसडीटी, ये सब कॉइन्स पे अब डायरेक्टली बैंक टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो। देन व्हाट स्टॉपिंग यू गाइज, लाइक आई हैव सेड अर्लियर, लाइक पैक योर शिट टुगेदर एंड स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट ऑल दिस कॉइन्स। And if you find all these informations helpful, all this information legit to you, do subscribe, like, and share our video. Visit again. Thank you guys. We'll see you around.